करता है, ये जो किया है ना ये बहुत गलत है, लोगों को परेशान करके वैसे लोगों का शादी। इस बार जब वोट डालना है तो कहते घर से कोई निकले ही ना घर से बाहर, तब पता लगेगा कि लोगों को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए घर बैठे। जैसे वो बता रहे कोई वोट नहीं देना, शिट अब ये लोग परेशान है ना, ऐसे वो लोग परेशान हो, कोई तरीका ये 100 के नोट निकाले, इतना ही था तो पहले 100 के नोट भेजते, हमें पता है हम कैसे सामान लेकर आ रहे हैं, 100 के नोट नहीं है कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही है। 500 के नोट बंद हो गए, शॉपिंग करने आते, सब्जी लेने आते, 300 रुपए की सब्जी खरीदे ना जरा, सब्जी खरीदे फिर पता लगेगा उन्हें। देखिए मैम मैम कितना गुस्सा है, बेसिकली इनके अकॉर्डिंग ये 500,000 के नोट जो बंद हुए हैं ये बहुत गलत है, ठीक है। अब आप देखिए, मैं मैम से दोबारा पूछता हूँ कि मैम को और कौन सी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देखिए ना यहाँ पर कोई कोई सुनने को तैयार नहीं है, नोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, 4 बजे बैंक बंद हो जाएंगे, क्या करेंगे? 4 बजे काउंटर भी एक के अलावा इनका, कम से कम 4 काउंटर खोले, लाइन फटाफट बढ़ेगी आगे। कर्मचारी तो बाहर खड़े हैं, इन लोगों के कार्यक्रम के बाहर खड़े, काम कौन कर रहा है, कैसे काम चलेगा? 4 बजे बंद हो जाएगा, 4 बजे बंद हो जाएगा, नंबर आएगा नहीं, क्या करेगा बंदा, कैसे करेंगे, कब तक? बस यही एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा, लोगों को आपको भी मालूम होना चाहिए कि 4 काउंटर चलाए किसी के बारे में। मोदी जी को सारे दो बेटियों को रोड पे खड़ा कर दिए हैं, बूढ़े लूले नंगरे अंधे सबको कर दिए रोड पे खड़ा, जमा कर सकती है नहीं रहने को बोलने दे, 50,000-70,000 जमा कर सकती है, हाल नहीं पाए, लेकिन दुनिया के सारे के बीवी को रोड पे खड़ा कर दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई दिख रहा है गवर्नमेंट, कोई मिनिस्टर दिख रहा है यहाँ पर, उनको क्या परेशानी है? सारे मीडियम क्लास के सारे लूले नंगरे अंधे कंधे सारे खड़े हैं यहाँ लाइन में, फिर भी कैश नहीं मिल रहा है, कोई खाने के लिए, कोई भूखा पड़ा है, कोई कुछ चाहते हैं, उसमें गैस चूल्हा जला है उसका। मैम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप बहुत गुस्सा है मुझे दिख रहा है, फूड में चले गए, डिसीजन तो एक मिनट में ले लिए, कर रहे हैं, बाकी लोग मर रहे हैं आपस में, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, कोई भीड़ में बेहोश से मर गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ, कोई बच्चे लेके खड़े हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत आई तो सोच रही है भाई पैसे होगा तब ना जान बचेगा, क्या ये तमाशा खड़ा कर रखे, ये मदारी है क्या नरेंद्र मोदी, एक मदारी की तरह काम किए हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितना भड़के हुए हैं, कितना गुस्से में हैं, तो मेरी अपनी गवर्नमेंट से एक छोटी सी अपील है कि ये मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करें आप, प्लीज ये लोगों के लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी लाएं और कुछ टाइम के लिए ये एक्सटेंड कर दें ये प्रोसेस और टाइम दें लोगों को। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रदीप मिश्रा के साथ मैं आदर्श वर्तमान।